किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरनाथ शर्मा, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से आपसे बात कर रहा हूं। साथियों, पिछली बार जब मैं आपसे बात कर रहा था तो उस समय हमने चर्चा की थी कि सोयाबीन में प्रारंभिक अवस्था में कीट कौन से लगते हैं, बीमारियां कौन सी लगती हैं और उसका नियंत्रण के उपाय क्या होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि जिन किसान भाइयों ने बोनी कर दी होगी उन्होंने उस बातों का ध्यान रखा होगा और अपने सोयाबीन के बीज को अच्छी तरह उपचारित करके ही बोया होगा और उसका फ़र्क भी अब देखने में आ रहा होगा। जिन किसान भाइयों ने अभी बोनी नहीं की है उनसे फिर निवेदन करूंगा कि वो अपने बीज को जो रिकमेंडेड हैं अनुशंसित कीटनाशक हैं और फफूंदनाशक हैं उनसे उपचारित करने के बाद में राइजोबियम और पीएसवी से ज़रूर उपचारित कर लें ताकि आपकी फसल की जो पौध संख्या है प्रति हेक्टेयर में वो उचित रहे और आगे उत्पादन अच्छा दे सके। जिन किसान भाइयों ने बोनी कर दी है उनकी फसल करीब करीब अब 15 दिन की होने आई है और आज से कुछ दिनों बाद सोयाबीन की फसल में फूल आना भी शुरू हो जाएंगे। विशेष रूप से जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं उनमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। किसान भाइयों, आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सोयाबीन की फसल में पूरी अवधि में सबसे जो संवेदनशील अवस्था होती है वो है फूल आने की अवस्था। अगर इस समय इस अवस्था में कोई कीड़ा आ जाता है, कोई इल्ली आ जाती है तो वो आपकी फसल के पत्तों को न खाते हुए फूल खा जाती है और इसकी वजह से जो अपहलन की समस्या होती है या आप आमतौर पे उसको प्रचलित भाषा में बांझपन बोलते हैं उसका वो उसके लक्षण दिखने लगते हैं। तो फूल आने के समय ज़रूर हमको पौध संरक्षण के उपाय अपनाने चाहिए। देखिए, जितनी भी तरह की इल्लियाँ होती हैं उनके नियंत्रण के कई उपाय हैं, रासायनिक तो है ही, उनके अलावा भी अगर हम कुछ उपाय करें जिनको सब मिला के हम समेकित कीट प्रबंधन के उपाय बोलते हैं तो उसमें खर्चा काफ़ी कम हो सकता है। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने खेतों में एक बीघा में कम से कम 8-10 जगह टी आकार की खूंटियाँ लगा दें या सूखी झाड़ियाँ गाड़ दें और उस पर आप देखेंगे कि उस पर आप आके पक्षी बैठते हैं और वो आपके खेतों में से हानिकारक जो इल्लियाँ होती हैं उनको खा खा कर के ख़त्म करते हैं, काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं। दूसरा एक उपाय ये होता है कि जो जैविक कीटनाशक है हमारे पास में जिनमें कि कीड़ों में बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं इन दवाइयों में, जैसे बैक्टीरिया आधारित होती हैं कुछ दवाइयाँ फफूंद आधारित होती हैं, कुछ दवाइयाँ वायरस आधारित होती हैं, इनके कमर्शियल उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हैं, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो ये आपको मिल सकेंगे और इनका उपयोग अगर हम करते हैं तो इल्लियाँ तो मरती ही मरती हैं। दूसरा एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो कि आपके मित्र कीटों की संख्या कम नहीं होती इसमें, जो कि जिनके की कम होने के खतरा हमको रासायनिक कीटनाशकों से होता है अगर उनका उपयोग अच्छे से नहीं किया तो इन जैविक कीटनाशकों का उपयोग करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जैविक कीटनाशकों का उपयोग करने के बाद में आपको तुरंत इल्लियाँ मरती हुई नहीं दिखेंगी जैसा कि रासायनिक कीटनाशकों में होता है। इल्लियाँ मरने की प्रक्रिया 24 से 48 घंटे बाद शुरू होती है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है कि सूक्ष्मजीवी आधारित कीटनाशक डालने के कुछ घंटे बाद ही, जैसे ही उसकी पत्ती खाता है इल्ली उसकी पत्ती खाती है और ये विष उसके पेट में पहुंच जाता है या उसके संपर्क में आता है तो उसके 4 घंटे के बाद ही इल्ली अपना खाना छोड़ देती है। जिंदी दिखेगी लेकिन वो आपकी पत्तियों को नुकसान नहीं करेगी, फसल को नुकसान नहीं करेगी। तो इसमें थोड़ा सा संयम बरतें और आप देखेंगे कि 24 से 48 घंटे के बाद में ये इल्लियाँ मरना शुरू हो जाती हैं।